तो गुड मॉर्निंग, फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में, वेलकम इन मास्टरमाइंड में। रोज़ की तरह कुछ आज भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। तो हम आज बात करेंगे फिर से सऊदी के ऊपर। सऊदी से एक फिर से अपडेट आ रही है, जो अपडेट में सऊदी के ऊपर जो जो अपडेट आता है, मैं बार बार वो अपडेट आपको सामने रखता हूँ, ठीक है ना, और प्रूफ के साथ आपको ये अपडेट देता हूँ। तो आपको भी ये थोड़ा सा तो मतलब वो रखना चाहिए, मतलब ये तो थिंक इतना रखिए कि मैं आपको जो भी न्यूज़ दूंगा, अपडेट दूंगा, वो जेन्युइन दूंगा, कोई भी फेक न्यूज़ आपको नहीं दूंगा, प्रूफ के साथ दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पता होना चाहिए कि जो सऊदी की जो एयरलाइंस है, सऊदी से जो भी लोग बिलोंग जाना चाहते हैं, तो 8 महीने से वो बंद है। केवल जो वहाँ पे है वंदे भारत मिशन ही वहाँ पे ऑपरेट हो रही है, जिससे केवल वहाँ से सऊदी से इंडिया, मतलब जो लोग सऊदी में फंसे हैं उसको इंडिया लाया जा रहा है। लेकिन इंडिया से सऊदी जाने वाले लोगों की लाइन लगी है, बहुत से लोगों की नौकरियां जा रही है, ठीक है। तो इस पे क्या हो रहा है कि बहुत से लोग परेशान हो चुके हैं कि कब ऐसी नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हो जाए कि हम अपने सऊदी जाके जो भी उनका काम है, बिजनेस है, वो अपने तरीके से वहाँ से सही ढंग से फिर से जैसे सुचारू रूप से ज़िंदगी चल रही थी वैसे चलने लगे। तो कुछ ऐसी आपकी भी सोच होगी अगर सब सऊदी जाने की सोच रहे हैं तो। और मैंने कल एक वीडियो डाला था हज के ऊपर कि आप 2021 में हज की यात्रा करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं हज में, तो उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने कुछ नियम लगाए हैं, कुछ नियम बताए हैं, उस नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप हज की यात्रा कर पाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे इस चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम इसके बारे में बता दें पहले कि आज जो सऊदी से जो एयर बबल्स का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो मुझसे ऐसा लगता है कि एयर बबल्स के जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इससे लग रहा है कि बहुत जल्दी ही ये फ्लाइट, नॉर्मल फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा स्टार्ट कर लेता हूं, उससे पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पूरा भी न्यूज़ आपको यहाँ पर अपडेट में यहाँ पर दे देता हूँ। तो भारत और सऊदी के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पिछले 8 महीने से बंद है, और मौजूदा समय में केवल वंदे भारत मिशन की उड़ानें ही ऑपरेट हो रही हैं, जिनमें केवल सऊदी में फंसे हुए भारतीयों को भारत लाया जा रहा है, लेकिन भारत से लोगों को सऊदी में लेकर नहीं जाया जा रहा है, ठीक है। जिन कारण से बहुत सारे लोग की नौकरियां या तो जा चुकी हैं, या तो नौकरियां बहुत जल्द जाने वाली हैं। तो एक और न्यूज़ निकल के आ रही है, भारत और सऊदी के बीच एयर बबल्स का एग्रीमेंट हुआ है, उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। लेकिन अब उड़ानों को लेकर एक भारत की एम्बेसी जो कि सऊदी अरबिया में है, वहाँ से एक अच्छी खबर आ रही है, और खबर यह आ रही है कि खबर के अनुसार भारत से सऊदी के बीच में एयर बबल्स के तहत उड़ानों को बहुत ही जल्द ही चालू कर दिया जाएगा। भारत की एम्बेसी जो कि सऊदी अरबिया में है, उन्हें GACA और भारत की सिविल एविएशन मंत्रालय से यह बात करी है कि भारत से सऊदी की उड़ानों को एयर बबल के माध्यम से चालू किया जाए। इसके साथ साथ 2021 को लेकर भी जानकारी दी गई है कि हज 2021 को भारत लेकर भारत सरकार से पहले तैयारी कर रहा है, जिससे कि वह पता लग सके कि हज में जाने वालों की संख्या कितनी ज़्यादा है, उसके हिसाब से तैयारियां की जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में कम से कम समस्या उत्पन्न हो। आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी की सरकार ने सितंबर महीने में, जब भारत, ब्राज़ील और अर्जेंटीना यह तीनों देशों पर जब उड़ानों को रोक लगाई थी, उस समय भारत में कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, लेकिन वही मौजूदा समय में भारत में कोरोना के केस में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, और भारत यहाँ पर इसी का फ़ायदा उठाते हुए सऊदी से यह रिक्वेस्ट कर सकता है कि भारत के साथ साथ एयर बबल्स को चालू किया जाए। हमारे देश के एम्बेसडर असुफ सैयद, मैं यह सारी जानकारी एक इंटरव्यू के दौरान सऊदी मीडिया को दी, जहां उन्होंने बताया कि भारत और सऊदी दोनों देश मिलकर उस उड़ानों को अलावा दूसरे मुद्दे पर भी काम कर रहे हैं, जिससे कि दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी अच्छे हो सके। इस पूरे इंटरव्यू में उड़ानों को लेकर अवश्य बात हुई, लेकिन यह उड़ानों और एयर बबल्स कब से चालू हो पाएंगे, इसको लेकर कोई भी कंफर्म डेट अभी तक नहीं बताई गई है। लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि उड़ानों को जल्द से जल्द चालू करने में ऊपर काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में सऊदी को लेकर बहुत ही अच्छी खबर
आ सकती है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट जो मैं आपको शेयर करना था, बताना था। बाकी वीडियो में जो भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू।